वेलकम बैक टू अवर लाइव स्ट्रीम ओम सर चैनल पे बने रहो सर सपोर्ट दिखाओ थोड़ा सर देखते देखते मैसेज सॉरी स्ट्रीम देखते देखते आप ट्रेड भी ले सकते हो सो ऑल राइट वेलकम बैक टू आवर लाइव स्ट्रीम एवरी वन कल बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए हमें कल अगर आप एंड तक बने रहते तो मे बी आपको वन इजू फिफ्टीन का भी ट्रेड मिल सकता था कल का ट्रेड अगर मैं डिस्कस करूं तो कल शाम को यस yes, पहले ट्रेड हमने यहाँ पे लिया था राइट ये वाला था हमारा ट्रेड ये टारगेट्स के साथ ओके ये तो इजीली अचीव हो गए थे उसके बाद हमने बोला था कि यहाँ पे ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वान्टिटी रखना जैसे आप ट्वेंटी फाइव परसेंट क्वान्टिटी रखते आपका ये भी टारगेट इजीली हिट हो जाता राइट तो आज का सेटअप क्या था मैंने सुबह एक ट्रेड लिया था सेटअप ये था कि दिखाता हूँ मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था राइट कंसोलिडेट मार्केट ने किया कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकअप ब्रेकडाउन दिखाई दिया नीचे ऑलरेडी एक हमारा मेजर सपोर्ट लेवल है ओके मार्केट ने इस पर सपोर्ट लेके मार्केट ने यहाँ से पुल बैक दिया ओके पुल बैक दिया बट पुल बैक किस टाइप का है दिख रहा है स्लो स्लो बाइंग है मतलब इसमें सेलर्स ज़्यादा पावरफुल है रेदर देन बायर्स तो हमने क्या प्लान किया जैसे ही धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर रेजिस्टेंस लेवल पे आया यहाँ पे हमने एक शॉर्ट ट्रेड प्लान किया शॉर्ट ट्रेड हमारा कैसे बना एक्चुअली ये है शॉर्ट ट्रेड हमारा ये वाला ये जो विक्स से पीछे वाले उनके थोड़ा सा ऊपर समवेयर अराउंड दिस ओके ये था हमारा ट्रेड हमारा ट्रेड जैसे हमने एंटर किया इस जोन पे यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया आई थिंक यहाँ पे हमने हाँ यहाँ पे हमने एंटर किया यस yes, यहाँ पे हमने एंटर किया दिस पॉइंट यहाँ से मार्केट ने छोटा सा रिटेस्ट लिया यहाँ पे जो सेलर्स इस पॉइंट पे जिन सेलर्स ने सेल किया था ये जो सेलर्स डायरेक्टली एंटर कर गए थे उनके पहले एसएल हिट किए एंड देन इट वेंट विथ आवर डरेक्शन ओके तो यहाँ पे भी हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ ओके तो ये एक सेटअप बन रहा था एंड यहाँ जैसे ही मैंने ऑलरेडी सिस्टम में टीपी लगा दिया था कुछ पोजीशंस का एक दो पोजीशंस का मैंने शायद से लगा दिया था एंड बाकी जो एसएल थे वो हमारे ऑलरेडी ऊपर ही थे ये टीपी हिट हुआ एंड रेस्ट ऑफ द पोजीशंस जो बची थी वो अभी भी चालू है बट मैंने एस एल ट्रेल नहीं किया हुआ एस एल है वहाँ पे ही है अभी मार्केट ने फिर से हमारा एंट्री पॉइंट एंट्री पॉइंट जो है वो रिटेस कर किया एंड वहाँ से अभी नीचे जा रहा है तो मैंने जैसे हमारे एंट्री जोन पे आया यहाँ पे और एक पोजीशन ऐड किया जो मैंने यहाँ पे बुक किया था वो यहाँ पे ऐड किया एंड अब फिर से मार्केट नीचे डंप ले रहे सो वी आर इन प्रॉफिट्स ओके सो अगर आपको एंट्री लेनी होगी वेट करो मार्केट अगर मे बी यहाँ से यहाँ पे आता है फिर नीचे जाता है तो यू कैन एंटर एट दिस पॉइंट बट अभी अगर एंट्री लोगे तो कोई फायदा नहीं है आपका एस बहुत बड़ा बन जाएगा इतना बड़ा एस बन जाएगा सो यू कैन वेट और दूसरा कोई सेटअप अगर बनता है तो हम लोग बता देंगे उसमें आप लोग ट्रेड ले सकते हो ओके okay? ये रहा बी का इसको यहाँ पे ऐसे लगा देंगे अभी गोल्ड का समझेंगे गोल्ड में हमें क्या दिख रहा है धीरे 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 ऊपर के साइड बाइंग दिख रही है मतलब स्लो बाइंग दिख रही है स्लो बाइंग का मतलब क्या है एक मूव नीचे के साइड अच्छा खासा आ सकता है राइट तो हम लोग उसके लिए प्लान करेंगे फर्स्ट थिंग ये ऐसी बन रही है इसको हम लोग बना लेते हैं ये ट्रेंड लाइन बनी अभी हम लोग वेट करेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का ओके ऐसे बना लो ट्रेंड लाइन जैसी ब्रेक होगी वी विल गो फॉर सेल साइड यहाँ पे एक ये जोन है ये भी मार्क कर लेंगे हो गया इजी ओके अभी हम लोग क्या करेंगे इस लेवल के बीच में कुछ नहीं करेंगे वी विल जस्ट वेट जैसी ये लाइन ब्रेक होगी मार्केट नीचे आएगा ये लेवल पे यहाँ पे आप लोग एंट्री लेंगे अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट प्लान कर सकते हैं ओके दिस वी कैन प्लान आवर ट्रेड लाइक दिस तो कंडीशंस कैसे बनती है उसके हिसाब से हम लोग उस पर रिएक्ट करेंगे ओके okay? तब तक के लिए जस्ट वेट एंड वॉच कि मार्केट क्या कर रहा है कैसे कर रहा है एंड अगर आपको कुछ डाउट वगैरह होगा तो so कमेंट करो We'll see, okay? यहाँ पे क्या हो सकता है पता है जो सीन यहाँ पे हुआ था ना स्लो वाइंग वाला एंड बिग फॉल वो चीज़ यहाँ पे फिर से रिपीट हो सकती है तो मेक श्योर sure कि आप लोग अपने पोजीशंस अच्छी तरीके से मैनेज करो प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है एंड मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मार्केट अगेन सिक्सटी से फिफ्टी नाइन थाउजेंड तक जा सकता है जैसे ये लेवल ब्रेक होगा मार्केट कैन डंप अप टू फिफ्टी नाइन थाउजेंड तो वो पूरा मूव हम लोग कैप्चर करने वाले हैं सो मेक श्योर आप कनेक्टेड रहो क्योंकि ऐसे मूव बार बार नहीं आते यू शुड टेक एंट्रीज अभी हमको यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है हम लोग वेट करेंगे क्रिएटेस्ट का देन वी विल गो फॉर सेल साइड ओके एंड यहाँ पे हमें एक फॉल चाहिए वी आर एक्सपेक्टिंग अ फॉल बट देखते हैं ये ट्रेंड लाइन है छोटी सी इसे रिस्पेक्ट करते हैं कि मार्केट जैसे ही गोल्ड नीचे जाएगा बी ऊपर जाएगा बी नीचे आएगा गोल्ड ऊपर जाएगा और अगर किसी में आपको सेटअप दिख रहा होगा सो टेल मी वी कैन ट्रेड दैट आल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ डंप इन बी टी एक बार हम लोग हीट मैप चेक करेंगे यहाँ पे दिख रहा है ऊपर के साइड लिक्विडिटी है फोर्टी टू मिलियन की अराउंड सिक्सटी फोर टू हंड्रेड एंड नीचे के साइड कुछ है नीचे के साइड वन थर्टी फोर मिलियन की है सिक्सटी वन फाइव हंड्रेड पे सो so, फिलहाल तो मार्केट शांत दिख रहा है सच ऐसे कुछ ज़्यादा वॉल्यूम या लिक्विडिटी नहीं दिख रही ट्वेंटी फोर मिलियन की भी है सिक्सटी वन एट हंड्रेड पे एंड सिक्सटी वन टू हंड्रेड पे ट्वेंटी सिक्स मिलियन की है सो बी टी सी माइट कम डाउन टू ग्रैप द लिक्विडिटी उसके बाद एक थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगी और फिर से नीचे चले जाएगी ओके okay? रिवर्सल पर बाहर मत पड़ निकल जाना होल्ड करना क्योंकि वो जो जस्ट एक पुल बैग या फिर रिवर्सल होगा दिख रहा है यहाँ पे हम डायरेक्टली ट्रेड ले लेते लॉस में हम अभी चल रहे होंगे इसलिए मैं बोला कि वेट करो रिटेस्ट होने का रिटेस्ट होने के बाद फिर वी विल गो फॉर नेक्स्ट टारगेट एक का डबल होता है क्या एक का डबल आपको यहां पे नहीं होगा एक का डबल अगर आप करना चाहते हो तो स्टडी करके आपको करना पड़ेगा एक का डबल एक का डबल ऐसे नहीं होगा दूसरा सीनेरियो क्या बन सकता है इसमें मे बी गोल्ड नीचे ब्रेक डाउन सेलर्स को बुला के फिर से ऊपर निकल सकता है ऊपर निकलेगा तो ये लेवल तक आएगा यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो हम देखेंगे अगर इसने ये भी जोन ब्रेक किया देन वी विल गो फॉर दिस टारगेट एंड अगर यहाँ पे थोड़ा साइडवेज होता है देन वी वुड टेक आवर एंट्रीज बेस्ड ऑन दिस यहाँ पे एंटर करेंगे हम लोग ऊपर एस एल रहेगा एक बार लिक्विडिटी ले एक लिक्विडिटी लेने के बाद एंड वी कैन गो फॉर दिस टारगेट ये होगा तुम्हारा वन टू सेवन का ट्रेड सो पेशेंटली वेट करो जैसे ट्रेड एक्टिव होगा वी विल अपडेट वी कैन प्लान सेल हेयर बट थोड़ा सा वेट करेंगे क्योंकि मार्केट बायर्स को बुला रहा है जाना हमें सेलिंग साइड ही है नो डाउट एंड ये सेलिंग अगर कंटिन्यू होती है तो सेलिंग जा सकती है ऑलमोस्ट ये लेवल्स तक ये जो लेवल्स है ना वहाँ तक सेलिंग जा सकती है ओके तो बड़े टारगेट के लिए वेट करेंगे हम लोग पेशेंटली एंड जैसे ही मिलेंगे वी विल प्लान आवर ट्रेड्स, ओके एक सेफ एंट्री कौन सी होगी ये वाली होगी इस पॉइंट पे क्योंकि एस एल छोटा बन रहा है अगर आप यहाँ पे एंटर करोगे तो एस एल बड़ा बनेगा सो इट्स बेटर टू वेट फॉर गुड एंट्री अच्छा खासा मोमेंट हमारा बीटीसी में बीटीसी पे नजर रखो क्योंकि बीटीसी कभी भी एक अच्छा खासा डम दे सकता है ये उसका एक जोन है जहाँ पे वो साइडवेज है मतलब ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है एक बार ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन हो तो अच्छा मूव दोनों साइड आ सकता है सिक्सटी टू थाउजेंड इज अ गुड राउंड लेवल सो मेक श्योर कि आप उसको ध्यान में रखते हुए ट्रेड्स लो। ओके देखो मोमेंटम देखो दिख रहा है ये चाहिए था हमें अच्छा खासा मोमेंटम गोल्ड में बिटकॉइन में दिख रहा है एंड ये कंटिन्यू भी हो सकता है अराउंड सिक्सटी थाउजेंड फिफ्टी नाइन थाउजेंड तक सो मेक श्योर कि आप ट्रेड प्लान करो उस तरीके से एंड अभी हालविंग के लिए बस तीन दिन बाकी है वो तो मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा सो मेक so श्योर sure कि आप एकदम उसके अंदर बड़े बड़े पोजिशन या फिर बड़े बड़े ट्रेड्स प्लान ना करो छोटे मोटे स्कैल्प करो थोड़ा सा मार्केट से दूर रहने में अभी भला ही है क्योंकि मार्केट अभी वॉल्टेल्ड हो सकता है ये दो तीन दिन में हालविंग से पहले मार्केट मैंने पहले ही बोल रखा है कि हालविंग से पहले वो डंप होगा हालविंग के बाद वो साइडवाइज होगा एंड मे जून में के बाद वो एक रैली पकड़ेगा तब तक हमारे पास टाइम है हम लोग अच्छे खासे इन्वेस्टमेंट अपने कर सकते हैं अगर कुछ डाउट है मैसेज करो वी कैन क्लियर योर डाउट्स एस एल देखो हमने ट्रेड यहां से पकड़ा है ओके एट दिस पॉइंट वी हैव एंटर यहाँ से जो एस एल लगाया है वो अभी भी उसी लेवल पे हमने रखा है ना हमने शिफ्ट किया ना चेंज किया मार्केट यहाँ से इतना मूव दिया फिर ऊपर आया तो भी हमारा एस एल सेफ है फिर अगेन एक डम दे रहा है सो so, एस अच्छे जगह पे लॉजिकल एस लगाना इज मच मोर इम्पोर्टेंट ओके सो ये ध्यान में रखो एस आप छोटा एस में अगर कंजूसी करोगे तो वो ईजिली हिट होंगे एंड आपको मार्केट वहाँ से बाहर निकाल देगा लॉजिकल एस लगाओगे तो हिट नहीं होगा मार्केट कैसे भी होने थो? मार्केट में भी अभी बायर्स की लिक्विडिटी लेगा एंड देन फिर नीचे कंटिन्यू कर सकता है बट यह ट्रेंड लाइन अच्छी खासी दिख रही है तो हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का ही स्ट्रक्चर क्लियर होगा वी कैन एंटर और ऐड सम पोजिशंस अगेन यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है यहाँ से जैसे ही रिजेक्शन लेगा मार्केट कैन गो टू आवर टारगेट्स ये एक्चुअली क्या है मैंने नीचे क्यों लिया यहाँ पे मेरा ट्रेड एवरेज हो चुका था क्यों यहाँ से नीचे आया है ट्रेड यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हुआ फिफ्टी परसेंट पोजिशन मैंने बुक कर ली फिर से मार्केट ऊपर आया जैसे ही एंट्री लेवल पे आया मार्केट उस टाइम मैंने यहाँ पे फिर से क्वांटिटीज ऐड किया है सो so, मेरा जो एंट्री लेवल ये था वो एवरेज आउट होके अभी ये हुआ है ओके okay, इसलिए मैंने ये लगाया एस एल विल भी सेम ऐसे यही पॉइंट है हमारा इसमें चेंज नहीं होगा सकता है हेलो ईशा वेलकम बैक टू अवर स्ट्रीम स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो सपोर्ट करो शेयर और अच्छा लगा कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके मुझे वैसे बताओ चेंजेस अगर चाहिए होंगे क्योंकि हम लोग अभी नए हैं तो थोड़ा टाइम लगेगा सेट होने गोल्ड देखो नीचे ब्रेक डाउन दिया ट्रेंड लाइन के फिर ऊपर चला गया मतलब पूरा साइडवेज दिख रहा है गोल्ड मतलब अभी इसमें क्लियर नहीं इन डिसीजन कैंडल सारे बना रहे हैं सो तो हम लोग वेट करेंगे क्लियरिटी एक बार मिलेगी तो हम लोग ट्रेड करेंगे ऐसे अगर ट्रेड लेंगे तो इसमें एसएल जा सकते हैं हमारे यहाँ भाई मोटिवेशन अच्छा मिलता है थैंक यू सो मच मोटिवेशन भी मिलता है पैसे भी कमाते हम लोग एंड बाकी चीज़ें भी करते फोर की न्यूज एक बार चेक करेंगे फैक्ट्री को क्या हो गया भाई फोर फैक्ट्री बन क्यों है आज पोवेल भाई का स्पीच है इसलिए मार्केट इतना साइडवेज हो चुका है ये स्पीच में मज़ा आएगा इसमें हाई वॉलेटिलिटी रहेगी आपके जो पोजिशंस है उन पे ध्यान दो मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है सो रिस्क थोड़ा कम ही लो एक बार वो हो गया न्यूज़ उसके बाद आप लोग कर सकते हो और जो बिगनर्स है वो तो मैं कहूँगा मार्केट से अभी दूर ही रहो मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग ज़्यादा रिस्की होती है इसमें आप लोगों का रिस्क बहुत बढ़ता है लॉसेस के चांसेस बढ़ते हैं तो मेक श्योर कि आप उससे थोड़ा दूर रहो देखो ये वॉलिटिलिटी जो दिख रही है वो उसी के कारण है तो मुझे तो लगता है अभी यह न्यूज़ तक ऐसी करेगा ऊपर नीचे ऊपर नीचे न्यूज़ के बाद वो स्टेबल होगा तो तब तक तो हम लोग वेट करेंगे और एक फैक्ट्री चल रही नहीं है गोल्ड सेल किया है गोल्ड में हम लोग अभी वेट कर रहे हैं हमारा सेलिंग जोन ये रहेगा बट अभी न्यूज भी है उसके कारण हम लोग थोड़ा अलर्ट रहेंगे पोजिशन साइज छोटी कर लेंगे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे उसके साथ हम लोग ट्रेड लेंगे क्योंकि न्यूज जो है वो स्पीच वाली है तो उसमें मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा क्या करेगा वी डोंट हैव एनी आइडिया एंड ऐसे टाइम पे स्टॉप लॉस ऊपर नीचे भी होते हैं मतलब अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया तो वो जाके यहाँ पे ट्रिगर होगा स्लिपेज बहुत होता है तो मेक श्योर की आप अपने पोजिशन जो है वो थोड़ा कम बनाए अभी यहाँ पे एकदम से एंटर नहीं करना वेट करना है मार्केट में भी ऊपर के साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगा जैसे जाके फिर नीचे आएगा उस टाइम हम लोग एंटर करेंगे जो एरिया है यहाँ तक मार्केट जाएगा लिक्विडिटी क्रैप करेगा फिर आएगा हमारा स्टॉप लॉस कब ट्रिगर होगा जब हमने एंट्री लिया होगा उस टाइम स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा स्टॉप लॉस विदाउट एंट्री ट्रिगर नहीं हो सकता राइट सो so, ये मत समझो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाता तो ये मत समझना हमारा स्टॉप लॉस हेट हुआ हमने अभी एंटर ही नहीं किया हमारी एंट्री अभी बाकी है ओके सो so, वेट करना पेशेंटली एंटर होने का यहाँ पे दिख रहा है हमारा जो ट्रेड है वो फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आया यहाँ पे हमने ऑलरेडी प्रॉफिट बुक किया है बट सेकेंड टाइम जब हमने इस पॉइंट पे एंटर किया है उसका एसे ऊपर है एंड हमारा पोजिशन अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ चुका है हम लोग वेट करेंगे एग्जिट मैनुअली नहीं करेंगे सिस्टम से अगर एग्जिट होता है तो नो वरीज बिकॉज ऑलरेडी वी आर इन प्रॉफिट एंड अगर नहीं होता तो अच्छी बात है देखो गोल्ड अभी ऊपर जा रहा है पहले नीचे सेलर्स को इनवाइट किया अभी उनके ऐसा लेके ऊपर गया ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैप करेगा फिर नीचे आएगा बट अभी न्यूज़ के वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पे ऊपर उसने फ्रेंड लाइन ब्रेक किया है एंड अभी वो यहाँ तक जा सकता है अभी भी हम लोग एंटर नहीं किए वेट करो यहाँ से नीचे गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है बट हमारा एंट्री इसी पॉइंट पे होगा विद स्टॉप लॉस ऑफ दिस दो पॉइंट का स्टॉप लॉस है तुम्हारा दिख रहा है तो एकदम छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं ज़्यादा रिस्क हम लोग नहीं लेते छोटे छोटे रिस्क लेके अगर करोगे बड़े बड़े प्रॉफिट तो आपका अकाउंट ग्रो होगा मैं भी ये ट्रेंडलाइन ब्रेकआउट किया है इसने सेलर्स को ट्रैप करेगा नीचे के साइड वेट करो पेशेंट पेशेंस रखो पेशेंस सबसे मेन है उसके बिना कुछ नहीं हो सकता हाँ मैंने भी वही चेक किया फोर एक्स फैक्ट्री नहीं चल रहा उसके वजह से एकदम क्लियर भी नहीं समझ रहा क्या है और फिर से एक बार ट्राई कर दे भाई इतनी बड़ी न्यूज़ है क्या वो दिखाई नहीं पा रहा अभी भी नहीं चल रहा स्ट्रीट तो मैं यूज़ नहीं करता आप भी देखेंगे न्यूजडे सिक्सटीन अप्रिल ये न्यूज़ हो गई है क्या सेवेंटीन दिखा रहा है और इस फैक्टर के नहीं चल रहा है उसमें अच्छे से समझता है इसमें अभी ये पोर्शन हाईलाइटेड है जो न्यूज़ हो चुका है एंड जो न्यूज़ बाकी है वो हाईलाइट नहीं है बट टाइम के हिसाब से न्यूज़ हुआ है या नहीं वो समझ रहा नहीं है यहाँ पे अभी डेटा भी नहीं मतलब ये न्यूज़ पेंडिंग से पर फिर ऐसे टाइमिंग क्यों दिखा रहा है फॉरेक्स फैक्ट्री जल्दी से चालू होना चाहिए यार क्या बोला ये बायर्स को ट्रैप करेगा फिर नीचे आएगा से मिलते हैं मैं फ़ोन पे न्यूज़ चेक कर रहा हूँ एक मिनट होल्ड करो न्यूज़ का हम लोग एक बार चेक करते फाइनल क्या है न्यूज़ है या नहीं कुणाल सालवे वेलकम टू आवर स्ट्रीम सर थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट तो गाइस आज स्ट्रीम आज न्यूज़ है पॉवेल की एंड उसमें मार्केट हमें थोड़ा सा वॉलेटल दिख सकता है सो आई एम क्लोजिंग माई पोजिशंस क्यों क्योंकि यहाँ पे वॉलेटिलिटी के वजह से कुछ भी हो सकता है या फिर हम लोग क्या करेंगे पोजिशंस रिड्यूस करेंगे अभी हम लोग एटी टू हंड्रेड डॉलर्स प्रॉफिट में थे मैंने अभी वो कैंसिल करके एक एक सिर्फ पोजीशंस रनिंग पे रखी है एक बार न्यूज़ हो जाए उसके बाद हम लोग फिर से पोजीशंस बढ़ाएंगे ओके okay? तब तक के लिए वी विल वेट एंड होल्ड स्मॉल क्वान्टिटीज ओनली अभी क्या प्रॉब्लम क्या है अभी ये जो लेवल है यहाँ पे ऊपर लिक्विडिटी बनी है इतने टाइम से मार्केट इसी रेंज में है ना इसी रेंज में है सो so लिक्विडिटी अभी यहाँ पे बनी है मोस्ट प्रोबेबली मार्केट पहले ये लिक्विडिटी लेगा एंड देन मार्केट डम्प करेगा सो so, अगर ये लिक्विडिटी लेने आता है तो ये हमारे एस लेके जा सकता है दैट्स वाई वी आर वेटिंग एंड वी हैव है पोजिशन तो मैं ये निकाल देता हूँ फिर से जब एंट्री हमें मिलेगी थोड़ा सा मीटिंग होने के बाद मार्केट जब शांत होगा या फिर मीटिंग में भी हम लोग एंट्री लेंगे छोटे से पोजिशन के साथ न्यूज ट्रेडिंग करेंगे बट उसमें रिस्क ज्यादा होता है एंड मेरे हिसाब से पॉजिटिव न्यूज आएगी मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि पिछले बार भी इंटरेस्ट रेट जो थी इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट वाली न्यूज उसके कारण मार्केट फॉल किया था तो मे बी इस टाइम अभी कुछ पॉजिटिव न्यूज आ सके एंड हम लोग एक अच्छा खासा रिकवरी देख के मार्केट में उसके हिसाब से ट्रेड ले सके देखो अभी इतना खासा डंप आ रहा है इसलिए मैंने क्या किया थोड़े पोजिशन बुक किए बाकी रनिंग में मतलब अभी फिफ्टीन सिक्सटीन डॉलर प्लस चालू है यहाँ से यहाँ तक का ही सिर्फ सो so ये फायदा होता है पूरा पोजीशन बुक ना करने का मे बी न्यूज़ नेगेटिव आती तो यहाँ से नीचे डंप हो सकता है तो हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट में हो जाएंगे अगर ऊपर भी चले जाते हैं तो पहले जो पोजिशन बुक किए उसका प्रॉफिट तो है मेरे पास आई कैन रिस्क दैट वेटिंग फॉर योर रिप्लाई सर सर आपको रिप्लाई देना ही पड़ेगा सर क्यों नहीं सर ही आप लोग स्ट्रीम में बने रहो आप भी सीख सकते हो इतना मार्केट कुछ डिफिकल्ट नहीं है बस हम लोगों ने खुद से डिफिकल्ट बनाया उसे अच्छे से अगर आप सीखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है पैसे बनाना घर बैठे बैठे अभी मैं लाइव स्ट्रीम मैंने स्टार्ट किया है सो रोज हम लोग लाइव रहेंगे आप उस पर आ सकते हो मेरे साथ ट्रेड कर सकते हो अभी हमने जस्ट स्टार्ट किया है so, सो इतना हम हमें ज़्यादा लोग देख रहे नहीं है एंड ज़्यादा लोग एक्टिव नहीं है बट धीरे धीरे जैसे लोगों को पता चलेगा एंड यूट्यूब भी क्या करता है ना अगर कोई बंदा इनएक्टिव दिखाता है मतलब बहुत दिनों से इनएक्टिव रहता है तो वो भी चैनल प्रमोट नहीं करता स्टार्टिंग में हमें व्यू अच्छे आते थे फिफ्टी सिक्सटी लोग जन देख रहे थे हमें बट जैसे हमने बंद किया थोड़ा ब्रेक आया तो अभी फिर से वॉच टाइम व्यू सारा नीचे गिर गया तो हम लोग को फिर से अभी चैनल ग्रो करना है सो so, उसके लिए आप लोगों का सपोर्ट लगेगा अगर आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे वी कैन ग्रो एंड और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो भी हम लोग धीरे धीरे प्लान करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करो शेयर करो जो भी इंटरेस्टेड है ट्रेडिंग सीखने में उन लोगों के साथ एंड जो भी आपके डाउट्स है अगर कुछ पूछना हो कमेंट करो आई विल हेल्प यू विद डैट ओके अभी हम लोग वेट करेंगे न्यूज़ के वजह से हम लोग थोड़ा सा रिस्क कम लेंगे ज़्यादा लेंगे नहीं अगर न्यूज़ कुछ बड़ी ऊपर नीचे होता है तो आपके पोर्टफोलियो वो डिस्टर्ब हो जाएगा लाइक like करो गाइज लाइक like करो जो भी आ रहा है स्ट्रीम देख रहा है वो लाइक like करो लाइक इज इम्पोर्टेंट फॉरेक्स फैक्ट्री चल नहीं रहा है यार फॉरेक्स फैक्ट्री अगर चलता था तो न्यूज एकदम तो अच्छे से क्लियर से पता चलती थी फॉरकास्ट भी क्या है वो भी हमें देखने मिलता था अभी बाकी वेबसाइट तो मैं इतने यूज नहीं करता इसलिए उनका इतना अच्छे से नहीं पता मुझे बट लेट चेक फ़ोन में फॉर फैक्ट्री चलता है क्या फ़ोन में अगर चल रहा होगा तो इट वुड भी बेटर ऑल राइट फोन में फॉर एक्स फैक्ट्री चल रहा है सो so, होल्ड करो अभी न्यूज़ कब है नेक्स्ट अरे न्यूज़ बहुत लेट यार. है यार न्यूज़ है टेन फोर्टी फाइव पी को सो so, अभी उसमें टाइम है तब तक मे बी मार्केट इसी जोन में हमें दिखाई दिए एंड ऐसी साइडवेज दिखाई दे सो so, वेट करेंगे दूसरा कुछ हम कर नहीं सकते अभी जैसे हम लोगों ने एग्जिट किया मार्केट फिर से नीचे आना स्टार्ट हो चुका है बट ये वॉलीटिलिटी ऐसी रहेगी अभी मार्केट में भी यहाँ से फिर से ऊपर जा सकता है सो so, हम लोग वेट करेंगे अभी यहाँ पे क्या हुआ सेम ऐसे हुआ साइडवेज था उसके बाद एक बेड रेड कैंडल बनी रेड कैंडल क्लोज भी की सेकेंड एसेलेट थर्ड देखो कितना वॉलेट कितने बड़े बड़े विक्स बना रहे हैं सो तो अभी वॉलेटिलिटी मार्केट में रहेगी हम लोग वेट करेंगे एक बार पिक्चर क्लियर हो जाए उसके बाद ही हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे ये देखो तो हमारे टारगेट के पास जा रहे हैं अभी हमारे ये टारगेट्स थे सो तो अगर टारगेट हिट होता है तो अच्छी बात है जो बची हुई पोजिशंस है मेरी उसमें प्रॉफिट दिखाई देगा बहुत अच्छा खासा प्रॉफ़िट चल रहा है बस मैंने एक पोजिशन बनाई है सिंगल पोजिशन जीरो पॉइंट वन लॉट से एंड दैट इज रनिंग अनाउ फिफ्टी डॉलर्स इन प्रॉफिट सो इट्स वेरी इजी टू मेक मनी बस अच्छी साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट है फिफ्टी डॉलर्स है तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेड क्लोज कर रहे एंड हम ये अभी वेट करेंगे जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है ये ऐसे बिग रिगार्ड कैंडल बना के भी मार्केट फिर से रिकवर कर रहा है सो यहाँ पे थोड़ा रिस्की हो सकता है पोजिशन बनाना एंड ट्रेड प्लान करना ट्रेड लेने के लिए कुछ नहीं बस हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है वो मैनेज होना चाहिए वो मैनेज नहीं होगा ऐसे टाइम पे क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप लोग रिस्क लेते भी हो देन ऑल्सो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा है एंड स्टॉप लॉस छोटे मोटे नहीं स्टॉप लॉस बड़े हिट हो सकते हैं अभी हमने इस लेवल पे एंट्री ली थी यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था ये लेवल छोटा सा स्टॉप लॉस था बड़ा टारगेट था ये हमारा पोजिशन चालू था फर्स्ट टारगेट हिट हुआ फिर रिटेस्ट के लिए आया यहाँ पे फिफ्टी परसेंट क्वान्टिटी हमने बुक कर दी थी अगेन हमने इस लेवल पे जहाँ पे एंट्री लेवल हमारी थी वहाँ पे आया तो हमने फिर से पोजिशन बनाई एंड वो भी अभी प्रॉफिट में चल रही थी हमने इस लेवल पे प्रॉफिट बुक किया है जो एक सिंगल क्वांटिटी मैंने होल्ड किया था उसे भी मैंने बुक कर लिया क्योंकि हमें अभी रिस्क नहीं लेना अभी न्यूज़ है तो वेट करेंगे मे भी ये टारगेट भी हिट हो सकता है यहाँ से फिर से रिवर्सल देखने में लेगा एंड दस बजे तक ये मार्केट इसी जोन में घूमता रहे दस बजे जैसे न्यूज़ पास आएगी देन वी कैन सी अ ब्रेकडाउन और एन ब्रेकआउट जो भी होगा पावर से होगा पावरफुल होगा एंड ये इंपॉर्टेंट टाइम है क्योंकि अभी हालविंग के लिए बस तीन दिन बाकी है सो दिस टाइम इज सो मच क्रूशियल एंड इसमें जो भी होगा वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है मार्केट में सो मेक श्योर कि आप अपने पोजिशन एंड स्टॉप लॉस उस हिसाब से मैनेज करें अगर कुछ डाउट है सो so, हम लोग तब तक वो डिस्कस कर सकते हैं आप लोग कमेंट करो कोई भी शेयर मार्केट से ट्रेडिंग से रिलेटेड जो भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो वी कैन डिस्कस दैट जब तक ये मार्केट ऐसे साइडवेज है तब तो तक हम लोग वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे ओके एंड जिसे भी जिसे भी ट्रेडिंग सीखना है मेरे साथ अभी जो मैं ऐसे कर रहा हूँ ट्रेडिंग वो मेरे साथ करना है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है वो लिंक पे जाके क्लिक करो एंड अपने अकाउंट्स ओपन करो ये दिख रहा है आपको ये डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करते ही लिंक दिखाई देंगे मोर दिख रहा है ये बायोबेट है अपस्टॉक है धन है डेल्टा एक्शन है एक्सनेस है जो भी अकाउंट जो भी ट्रेड आप करना चाहते हो इंडियन फॉरेक्स क्रिप्टो सबके अकाउंट मैंने दे दिया आप जाके इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो अभी आप अगर देखोगे तो एक्सनेस जो ये अकाउंट है ये मैं यूज कर रहा हूँ अभी ट्रेड करने के लिए सो तो आप लोग ये अकाउंट ओपन करो अगर आपको ये ट्रेडिंग करना है गोल्ड और बी दोनों ये लिंक है इस पर क्लिक करो आप उनके पेज पे चले जाओगे एंड वहाँ से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो ये देखो हमारा टारगेट अचीव होने आ गया है ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है वो भी लाइव स्ट्रीम पे अगर पसंद आया हो सो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो यू शेयर इट एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलो

मार्केट खुद कन्फ्यूज है किस डिरेक्शन में जाऊँ ऐसे टाइम पे हम लोग कुछ नहीं कर सकते मार्केट को छोड़ दो अकेले उसको पहले खुद सेट होने दो जिस भी साइड वो जाना पसंद करेगा उस साइड हम उसका हाथ पकड़ के चलेंगे मार्केट को छेड़ना नहीं है मार्केट के खिलाफ भी जाना नहीं है इजीली टारगेट है इजी टारगेट है वन इज टू थ्री पॉइंट फाइव हमने अचीव कर दिया है विद रिस्किंग जस्ट दिस मच देखो कितना अच्छा खासा डंप आया अगर मैंने अभी वो पोजिशन जो मेरे चल रहे थे वो होल्ड किए होते आई वुड बी इन प्रॉफिट अराउंड टू फिफ्टी टू थ्री हंड्रेड डॉलर ईजीली क्योंकि मेरा सिर्फ एक पोजिशन था उसने फिफ्टी डॉलर बनाया वैसे मेरे चार से पांच पोजीशन थे उससे भी बड़े तो ईजिली थ्री हंड्रेड से फोर हंड्रेड तो कुछ नहीं है ईजिली बन जाता वो बट आप लोग का स्टार्टिंग है तो आप लोग स्टार्टिंग में इतना ज्यादा नहीं कर सकते होल्ड तो आप लोग छोटे छोटे प्रॉफिट्स के लिए जाओ पाँच डॉलर दस डॉलर ऐसे भी अगर आप जाओगे देन ऑल्सो इट्स गुड ओवरऑल आपका अकाउंट कितना ग्रो करते हो एट द मंथ एंड वो इम्पोर्टेंट है हाय आदित्य वेलकम टू आवर स्ट्रीम यस सर वी आर विद यू थैंक यू थैंक यू सो मच ऐसे ही बने रहो शेयर करो सब्सक्राइब करो स्ट्रीम ऐसी हमारी बढ़नी चाहिए टारगेट जो हमारे वो अचीव होंगे एंड उसके साथ पैसा भी बनता रहेगा पैसा रुकना नहीं चाहिए पैसा आ, आते रहना चाहिए चाहे संडे हो वीकेंड हो कुछ भी हो पैसा रुकना नहीं चाहिए आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न आना चाहिए या फिर आपको ट्रेड करके रिटर्न्स मिलने चाहिए आप आ, हर दिन का एक टारगेट बनाए करो मीन्स पाँच डॉलर दस डॉलर ऐसे एंड वो हर दिन आपको मिलना ही चाहिए उतना फाइव टेन डॉलर बनाना इतना कुछ मुश्किल नहीं है आसान है आप इजीली बना सकते हो बस आपको लाइव स्ट्रीम पे बने रहना पड़ेगा स्टार्ट टू एंड अभी एक सपोर्ट लेवल है ये नीचे का यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर जा सकता है हम लोग वेट करेंगे हमारा गोल्ड का ट्रेड अभी भी एक्टिव हुआ नहीं है यहाँ पे हमारा ट्रेड एक्टिव होगा बट मार्केट यहाँ पे आया नहीं है सो तो हम लोग अभी वेट कर रहे हैं एंड सेकेंड थिंग न्यूज भी है तो उसके कारण हम लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे गलत एंट्री नहीं लेंगे धीरे धीरे हम लोग प्लान करेंगे ओके सर वेन वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स बेसिक्स का हम क्या करेंगे वी विल प्लान कि हम लोग संडे को एक वेबिनार टाइप में रखेंगे दो तीन घंटे का एवरी संडे फ्री में मैं आपको स्टॉक मार्केट का जो है वो नॉलेज देता रहूँगा आप लोग बस ज्वाइन करो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो फैमिली में जो भी होगा ग्रुप में लिंक्स डालो फैमिली ग्रुप में ऐसे अगर अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा मीन्स कम से कम अभी हमारी वॉचिंग कितनी है छः सात जनों की इसमें हम लोग सिखाएंगे फिर से नया बंदा आएगा उसको सिखाना पड़ेगा तो एटलीस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव जन अगर हमारे वेबिनार में आते हैं देन वी कैन प्लान कि हम लोग दो तीन घंटे का एवरी संडे वेबिनार प्लान करें जिसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट से लेकर एडवांस सब कवर करें एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इसका कोई चार्जेस नहीं है मुझे आप लोगों से कुछ पैसा नहीं चाहिए बस आपका सपोर्ट चाहिए पैसा मैं खुद भी बहुत कमा सकता हूँ एंड मैं कमा रहा हूँ सो ऐसी कोई जरूरत नहीं है पैसे वैसे की फ्री में हम लोग सीखेंगे तो वी विल प्लान अभी तो धीरे धीरे हमने आज तो सेकेंड डे हमारा स्ट्रीम का धीरे धीरे हम लोग करेंगे बहुत कुछ चीजें सब लोग सब धीरे धीरे करेंगे आप सिर्फ बने रहो सपोर्ट करो अभी एक ट्रेड तो हमारा अच्छा खासा हो चुका है दो ट्रेड हो गए वी आर इन प्रॉफिट सो वो प्रॉफिट अभी हमें बचा के रखना है वो ट्रेड करके वो लॉस में नहीं लेके जाना वेट करो थोड़ा न्यूज इंटरेस्टिंग होगी न्यूज के लिए सब लोग बने रहना न्यूज जो रहेगी वो उसमें मजा आएगा क्योंकि न्यूज़ जो है वो स्पीच वाली है एंड आपको पता है कोविल जब आते हैं मार्केट का क्या हालत होता है आपने मीम्स तो देखे होंगे उनके वो उनके एंट्री पे मार्केट क्रैश तो करता है या फिर इतना बूम करता है कि कोई रोक ही नहीं पाता उसको सो so, वो इंटरेस्टिंग रहेगा अगर न्यूज़ से पहले हमने राइट right डायरेक्शन में ट्रेड ले लिया समझो इजी मनी दस बीस हजार आप भी बना सकते हो इजीली हम हमारे हाथ में कुछ नहीं है हमें पहले न्यूज़ नहीं पता चलेगी हम बस क्या कर सकते हैं ट्रेंड को फॉलो कर सकते हैं ट्रेंड जिस तरफ है हम उस तरफ जा सकते हैं हमारे पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं माइक बंद था मैं सब कुछ बोल चुका अभी पता चला कि माइक ही बंद था तो मैं ये कह रहा था कि गोल्ड एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है अगर गोल्ड ब्रेक डाउन करता है तो हमारा ट्रेड जो होगा वह इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा एंड हमारा प्लान रहेगा कि मार्केट जैसी यहाँ से आके एक रिटेस्ट करेगा फिर डाउनफॉल करेगा तो ये रिटेस्ट पे हम लोग एंटर करेंगे छोटे से एसएल के साथ ओके बट एक अच्छा खासा एडवांटेज हमें मिल सकता है अगर मार्केट इस लेवल से नीचे आना स्टार्ट करे क्यों क्योंकि अपना जो टारगेट है वो इतना बड़ा बन सकता है अगर मार्केट यहाँ से फॉल होता है तो यहाँ तक मार्केट आया था बट हमारे लेवल पे नहीं आया यहाँ पे आया बट हम वेट कर रहे थे कि लिक्विडिटी एक टाइम वो ग्रैप करेगा देन इट कैन गो बट ये दोनों चीजें नहीं हुई तो हमने एंट्री नहीं ली फोमो में एंट्री नहीं लेना अभी आपको लग रहा होगा इतना नीचे आया हम यहाँ पे बीच में घुस जाते थे नहीं दैट स्ट्रॉन्ग यहाँ पे आपके एस भी जा सकते हैं तो हम लोग वेट करेंगे अभी दो दिन से हम लोग स्ट्रीम कर रहे हैं हमारा एक भी एस हिट नहीं हुआ क्योंकि हमने लॉजिकल स्टॉप लॉस लगाया है तो अगर आप लॉजिक के साथ स्टॉप लॉस लगाते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं होंगे अगर इन लॉजिकल फोमों के फोमों में अगर, अगर एंटर करते हो तो आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं वेट करो धीरे सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है वेट करेंगे ब्रेकडाउन अगर देता है रिटेल्स पे हम लोग एंटर करेंगे या फिर फिर से इस लेवल से मार्केट ऊपर जा सकते हैं रेजिस्टेंस पे रेजिस्टेंस विल बी अ गुड शॉर्ट ट्रेड सो so, वेट करेंगे जो भी होगा आई विल अपडेट चलो निफ्टी बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं आज निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हुआ देखेंगे ऑल राइट सो कंटिन्यूसली दो दिन हमें गैप डाउन देखने मिला आज भी गैप डाउन देखने मिला एंड मार्केट सेम स्ट्रक्चर में तो लेट्स डिस्कस ज्यादातर मार्केट साइडवेज ही है एकदम आखिरी में एक छोटे मोटे मूव हमें देखने मिले मार्केट ओपन हुआ पिन बनी फाइव मिनट्स पे रेंज में जाके मार्केट रुक गया सेकेंड हाफ तक मार्केट एक रेंज में मूव किया देन एक ब्रेकडाउन दिखाई दिया डे एंड तक अभी इसमें हुआ क्या मार्केट स्लोली स्लोली सेलिंग पे आया डे लो के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया दो कैंडल यहाँ पे जो रिटेलर से वो लोग एंटर करेंगे उनको क्योंकि बताया गया है कि डे लो के नीचे अगर कैंडल क्लोज होती है फिफ्टीन मिनट्स की यू कैन टेक द ट्रेड जैसी रिटेलर्स यहाँ पे आए रिटेलर्स के स्टॉपलॉस यहाँ पे थे सब हिट हो गए मार्केट ने उनको ट्रैप किया एंड मार्केट वेंट अप दिख रहा है राइट right. तो उनके एसएल खाने के बाद फिर से मार्केट स्लो हो गया ट्रेंड लाइन ब्रेक ब्रेकआउट दिखाई दिया हमें एक अच्छा खासा एंड एट द एंड एक सिर्फ मूव अच्छी मिली फॉर ऑप्शन बायर्स ऑप्शन सेलर्स का तो पूरा दिन था ये ऑप्शन बायर का इसमें कोई काम नहीं था बट एट द एंड मार्केट ने एक छोटा सा मूव ऑप्शन के लिए दे के गया अभी नेक्स्ट क्या हो सकता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट थिंग है कि मार्केट ये जो लेवल में है वो लेवल पहले ब्रेक होना चाहिए मार्केट का ये जो लेवल है जब ये लेवल ब्रेक होगा उसके बाद हम लोग क्लियरिटी आएगी कि मार्केट में हमें करना क्या है ओके okay? These are the अभी मार्केट सपोज इसके बीच में कहीं ओपन होता है तो हम लोग वेट करेंगे अगर मार्केट इस लेवल पे जाता है यहाँ पे कैसे रिएक्ट करते हैं वो देखेंगे यहाँ से अगर एक अच्छा खासा फॉल हमें देखने मिलता है वी कैन टेक विद स्मॉल एस एल राइट टेन पॉइंट्स का हम लोग एक्सएल रखेंगे एंड हमारा टारगेट ये हो सकता है ओके okay. एंड अगर मार्केट हमें नीचे के साइड कहीं मिलता है तो हम लोग बाय साइड में जाना प्रेफर करेंगे समवेयर अराउंड दिस विथ स्मॉल स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा एस एल बड़ा बनेगा थर्टी पॉइंट्स का एस एल बना लेंगे हम लोग क्योंकि एस एल हमारे हिट नहीं होते ज़्यादातर बट हम लोग पहले सी एस एल लॉजिकल लगाते क्योंकि अभी ये एक जोन है तो मार्केट यहाँ पे आ सकता है यहाँ की लिक्विडिटी लेने के लिए ओके सो so, उसके नीचे हम लोगों ने एस एल लगाया थर्टी फाइव पॉइंट्स का तो चांसेस कम है कि ये हिट हो सकते हैं तो मार्केट क्या करेगा कल यहाँ पे गैप डाउन गैप अप या फिर साइडवेज अगर ओपन होता है नीचे आता है इस लेवल पे हम लोग बाय कर सकते हैं फॉर दिस टारगेट्स एंड सेल साइड का भी मैंने बता दिया एंड सपोज मार्केट साइडवेज ओपन हुआ मार्केट में कुछ मोमेंटम ही नहीं है तो वेट करेंगे साइडवेज ऐसे ओपन होगा यहाँ पे वेट करेंगे चैनल बनेंगे जैसे ही चैनल बनेगा ऊपर के साइड अगर ब्रेकआउट आता है तो वी विल गो पर बाय नीचे के साइड में ब्रेक डाउन आता है तो वी विल गो फॉर सेल इजी कुछ डाउट होगा कमेंट करो बताओ निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी अभी देखेंगे बैंक निफ्टी क्या कह है बैंक निफ्टी भी सेम दो दिन कंटिन्यूसली गैप डाउन दिख रहा है गैप गैप डाउन डाउन तो बैंक निफ्टी में क्या देखने मिला हमें बैंक निफ्टी भी सेम निफ्टी जैसे किया स्टार्ट टू एंड बैंक निफ्टी साइडवेज रहा एंड एट द एंड बैंक निफ्टी में एक अच्छा खासा मूव हमें देखने मिला बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा गैप गैप डाउन हो गया यार फुट लेना चाहिए था कल बट अभी इंडियन मार्केट ट्रेड नहीं करते इसलिए हम लोग इसको इग्नोर करते तीन सौ पॉइंट गैप डाउन थ्री हंड्रेड पॉइंट्स आर टू मच इसमें आपका कैपिटल बहुत बढ़ सकता था तो बैंक निफ्टी डाउन ओपन हुआ एक रेंज में था रेंज ब्रेकआउट क्या अच्छे खासे कैंडल के साथ रिटेस्ट अभी इसका समझो क्या हुआ ये है हाई ये है लो रिटेलर को बताया जाता है फाइव मिनट्स या फिफ्टीन मिनट्स की जो कैंडल है उसका हाई लो मार्क करो उसका हाई लो होगा ये मार्केट ने क्या किया साइडवेज रहा एक अच्छा खासा ब्रेकआउट कैंडल दिखाया रिटेस्ट भी दिया फिर अच्छी खासी कैंडल ऊपर क्लोजिंग की फॉर श्योर sure यहाँ पे सब लोग एंटर कर दिए होंगे इस कैंडल पे राइट विथ दिस एसेल मार्केट ने जैसे बायर एंटर हुए उनका तीन कैंडल में पूरा एसेल गया तीन कैंडल में उनका एस एल लिया एंड देन इट अगेन वेंट साइडवेज यहाँ पे और एक बार बायर्स को बुलाया जैसे वायर लोग एंटर हुए कैंडल क्लोजिंग पे एसेलेट रैली एसेलेट मीन्स पूरा दिन आज वॉलीटिलिटी थी मार्केट का मोमेंटम एकदम वॉलेटाइल था बायर्स का कुछ इसमें काम ही नहीं है उनको मूव ही नहीं मिला जो भी काम कर रहा था वो सब सेलर्स कर रहे थे एट द एंड निफ्टी में जैसे हुआ एक अच्छा खासा रेंज ब्रेकआउट एसएल डे हाई तक का टारगेट्स बस इतना मूव अगर किसी ने कैप्चर किया होगा तो देन इट्स ओके अदरवाइज आज का दिन पूरा सेलर्स का था बायर्स का कुछ काम नहीं है और जो वेल्स जो है वो कुछ बड़े करने के तैयारी में है इन क्रिप्टो मार्केट तो बी प्रिपेयर मूव किसी भी साइड बड़ी आ सकती है तो आप लोग सब पोर्टफोलियो मैनेज करें क्योंकि ये हालविंग जो होगा वो इतना खतरनाक हो सकता है ना कि बहुत जनों के अकाउंट उड़ने के चांसेस है अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेड लेते हो तो आपका अकाउंट बच सकता है अदरवाइज इट वुड बी टफ टू सरवाइव इन दिस टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रीम में बने रहो आपको वाइड में करता रहूंगा लाइव नो इश्यूज नो वरीज फिर से सपोर्ट लेके रेजिस्टेंस पे मार्केट जा रहा है मैंने बोला ना ये मार्केट न्यूज तक इसी जोन में ट्रेड करेगा एंड वही हमें देखने मिल रहा है क्योंकि जितना मार्केट ज़्यादा कंसोलिडेट करेगा उतनी बड़ी मूव मार्केट में आती है सिंपल लॉजिक है वो सब लोगों को पता है तो दैट्स द रीज़न एंड ये कंसोलिडेशन भी एक अच्छा माना मान सकते हैं हम लोग इस कंसोलिडेशन को क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा कंसोलिडेशन होगा उतनी अच्छी खासी मूव आएगी सो so, इसके बीच में हम लोग लॉस नहीं करेंगे बाय सेल बाय सेल बाय सेल खेलते खेलते हम लोग एक एक से दो ही ट्रेड लेंगे दिन में बट इतना परफेक्ट चाहिए कि बाकी लोगों का वो मंथली टारगेट जो होंगे वो हम दिन में कैप्चर कर सकें ऐसे मूव हम लोग को कैप्चर करना है ऐसे इस गंदगी में हाथ नहीं डालेंगे ओके हम लोग मार्केट में वो जो नए रिटेलर्स होते हैं जिन्हें हर मूव पे कुछ ना कोई एंट्री दिखती है वो टाइप के ट्रेडर नहीं है वी ट्रेड विथ लॉजिक एंड हमारे ट्रेड के पीछे रीजन चाहिए फालतू तो में हम लोग अपना लॉस करवा के नहीं लेंगे एंड जब तक मैं आपके साथ हूँ मैं नहीं आपका लॉस होने दूंगा फॉर श्योर आई एम टू गाइड यू आप जो भी डाउट है जो भी है मुझसे पूछो अगर आपको खुद से कोई ट्रेड लेना है आपको कोई खुद से ट्रेड दिखता है मुझे बताओ कमेंट करो वी विल डिस्कस दैट ऑन लाइव स्ट्रीम मैं आपको बताऊंगा क्या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए अगर लेना है तो स्टॉप लॉस टारगेट ये सब भी हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे अ सेकेंड एक छोटा सा काम है मैं वो कर लेता हूँ आई थिंक वी शुड मेक अवर टेलीग्राम चैनल नॉट फॉर टिप्स ओके टिप्स एंड कॉल ये सब के लिए नहीं बट टू गिव यू अपडेट रेगुलर अपडेट्स अबाउट द मार्केट मतलब अगर मार्केट में कुछ होता है इनकेस वी आर नॉट लाइव तो आपको मैं वहाँ पर अपडेट दे सकूँ राइट right? उसके कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि वी शुड मेक अवर टेलीग्राम चैनल लेट सी मैं चेक करता हूँ एक बार हो सकता है क्या अगर होता है तो इट वुड बी गुड टेलीग्राम भी करेंगे एक बार टेलीग्राम की लिंक पे मैं डालता हूँ ऑल राइट तो टेलीग्राम भी रेडी हो चुका है टेलीग्राम भी कर दिया मैंने अभी जस्ट अ सेकेंड हम लोग टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ मैं सो दैट यू कैन जॉइन टेलीग्राम एक्चुअली बनाया हुआ था पहले से ही बट उसमें मैं कुछ कर नहीं रहा था ऑपी एंड ऑल राइट right. मैंने टेलीग्राम का जो लिंक है वो पिन कर दिया है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल अपना जो है वो ज्वाइन कर सकते हो ओके okay? मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ ऑल राइट आई होप अपने यूट्यूब पे आ चुका होगा डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अभी टेलीग्राम लिंक दिख रहा होगा सेकेंड थिंग आपको uh, चैट में मैंने पिन कर दिया है लिंक वहाँ से यस yes, टेलीग्राम लिंक अभी हमें दिखाई दे रहा है देखो ये हमारा चैनल है डिस्क्रिप्शन में जाओगे यहाँ पे आपको टेलीग्राम लिंक दिखाई देगा ज्वाइन करो सो so दैट You can stay updated about the markets. Okay. अपडेट कर दिया मैंने जल्दी से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो गोल्ड में यार ये अच्छा खासा ट्रेड बनता है ये दिख रहा है ये वाला ट्रेड वॉज द बेस्ट ट्रेड बिकॉज यहाँ पे रिस्क एकदम छोटा सा था दिख रहा है यहाँ पर भी अगर आपको दिख रहा है कि गोल्ड साइडवेज है यू वुड हैव प्लान ट्रेड लाइक दिस और आपको अगर यहाँ पे मिलता है देन इट वुड बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ तक के भी आप टारगेट्स अगर लेने के लिए जाते थे यू वुड हैव रिवॉर्डेड लाइक दिस वन इज टू सिक्स पॉइंट थ्री बेस्ट ट्रेड होता था ये बट इस टाइम हम लोग लाइव नहीं थे तो ये ऐसे ट्रेड जो बनते वो मिस ना हो इसलिए आप क्या करो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जब भी ऐसे कोई अपडेट आते हैं या फिर ट्रेड मिलता है वी विल अपडेट यू ओके ऑल राइट तो गोल्ड ब्रेकडाउन करने का ट्राई कर रहा है वेट करेंगे अगर ब्रेकडाउन होता है देन वी विल प्लान ऑन रीटेस्ट ओके तब तक के लिए वेट करो जल्दीबाजी नहीं करनी टेलीग्राम लिंक दे दिया मैंने चैट में भी पिन किया है जल्दी से आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो मार्केट के अपडेट्स आपको उसी पे मिलते रहेंगे या फिर जो भी हम लोग ट्रेड लेंगे जब लाइव नहीं है उस टाइम आपको उस टेलीग्राम चैनल पे अपडेट दिया जाएगा सो मेक श्योर यू जॉइन द टेलीग्राम चैनल